तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरआर केबिल, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है उसको पता होगा कि आरआर केबिल का जो पॉइंट आते हैं वो कैसे क्लेम करने होता है और इसके अंदर रिवार्ड्स कैसे मिलता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल मेथड है, आपको फुल जानकारी देंगे इसके अंदर केवाईसी करना कैसे करना होता है, पॉइंट रिडीम कैसे करना होता है, फुल जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर डालना पड़ता है, कोई भी नंबर होगा तो चलेगा, अपना फ़ोन नंबर देके साइन अप करोगे, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है, वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। चलो पर पहले वीडियो के अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर इंस्टॉल करोगे तो आपका बेसिक चीज़ कुछ इस तरह का आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी आ गया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आपके पास इस तरह का पॉपअप आएगा कि केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोल रहा है। आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आप दो तरीके से सबमिट कर सकते हो और इसका मैं प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले इसके अंदर बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो भी इलेक्ट्रिशियन जो भी आप मेथड चूज करोगे, यहाँ पर आपका टॉप में नंबर शो करेगा, आपका फ़ोन नंबर रहेगा, ठीक है। और इसका अगर कुछ और बेसिक डिटेल्स या इंक्वायरीज जानना है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इधर पर आप हेल्पलाइन नंबर शो कर रहा है, इधर पर आप कॉल करके आपका जो भी परेशानी है आप कस्टमर केयर से थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एडिट प्रोफाइल के अंदर आए तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के अंदर आप कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करते हैं बैक, होम पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केवाईसी, देखिए यहाँ पर पहले चीज है, कोई भी एप्लीकेशन के अंदर केवाईसी अगर आपने कंप्लीट नहीं किया होगा तो आप इधर से पॉइंट क्लेम या पॉइंट का जो भी बेनिफिट होगा आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे आपके अकाउंट पे। तो यहाँ पर केवाईसी आप मैंडेटरी है, तो केवाईसी करना, और बहुत लोग करते क्या है, किसी और का नाम से आईडी होता है और किसी और का केवाईसी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जिसके नाम पे आईडी बना है उसका नाम का ही बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड एंड वोटर कार्ड कुछ भी लगे तो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अपना केवाईसी में अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर देके सबमिट कर देना, जैसे सबमिट करोगे तो आपका इस तरह का केवाईसी यहाँ पर ग्रीन कलर का आ जाएगा। फिर भी अगर आपका रिडीम नहीं हो रहा है तो उसका प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कैसे क्या करना होता है। आप रिडीम गिफ्ट के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हो, अगर रिडीम गिफ्ट के अंदर आएंगे यहाँ पर ट्रांसफर, यहाँ पर रेट दिखा रहा है 4 पॉइंट में 1 रुपया मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर 4 पॉइंट क्लेम करते हो तो 1 रुपया मिलता है, आप ट्रांसफर टू बैंक के थ्रू भी पॉइंट ले सकते हो या कोई गिफ्ट वाउचर के थ्रू भी, यहाँ पर कोई गिफ्ट जो जो चीज़ें यहाँ सजेस्ट आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गिफ्ट वाउचर के बहुत कुछ है तो आप गिफ्ट वाउचर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मेरा नेट स्लो चल रहा है, आप बाद में से देख लीजिएगा, ठीक है, मैं इसको बैक कर रहा हूँ। और बैंक ट्रांसफर, यहाँ पर आपका जितना पॉइंट होगा आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर बेसिक डिटेल शो करेगा, ठीक है, और इधर पर आपका पॉइंट देके आपको रिडीम कर देना। अगर बैंक डिटेल्स के अंदर कुछ आपका प्रॉब्लम इश्यू चल रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या बैंकिंग जो भी नाम आपने गलत दिया, ठीक है, सिंपली यहाँ पर हम लिख देते हैं PNB, देखिए आप सबमिट कर सकते हो, डन, ठीक है। और यहाँ पर अपना अकाउंट डिटेल्स अगर नंबर गलत दे दिया या आपका आईएफएससी कोड गलत हो गया तो इधर से आप सही तरह के कर सकते हो। और ये रहा बेसिक डिटेल्स में कुछ मतलब पॉइंट क्लेम करने का, और आपको 4 पॉइंट पे 1 रुपया मिलता है, ठीक है। और इधर पर स्कैनर का बटन दिया गया है, आप इधर से स्कैन कर सकते हो और इधर पर आप जो भी रिडीम करोगे यहाँ पर आपका रिडीम शो हिस्ट्री, यहाँ पर आपका सजेस्ट करेगा कितने आपने पॉइंट रिडीम किए किस डेट पे, यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर पॉइंट का इंफॉर्मेशन अगर जानना है आपको, यहाँ पर देख सकते हो डेट अपने किस डेट पे क्या किया है नहीं किया, यहाँ पर सब शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें, और ज़्यादा डिटेल्स नहीं है आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट क्लेम करना होता है, पॉइंट रिडीम करने का ऑप्शन आपको दो बता दिया। अगर मैनेजर डिटेल्स की बात करें, यहाँ पर आपका जो भी कोई भी अधिकारी अगर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, यहाँ पर PSO नंबर, ACD ID, AC नेम, योर एस AASM ID, योर SM नेम,
अगर आपने KYC फुल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आप सारे चीज़ें यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरा यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया। अगर आपने यहाँ पर KYC कंप्लीट कर ले तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर शो करेंगे, आपको हाईलाइट दिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने नहीं किया प्लीज़ कॉल देन अप्रूव योर KYC, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉल सेंटर, यहाँ पर नंबर दिया गया है। इन एनी इंक्वायरीज के लिए आप इस नंबर का कॉल करके आपके सारे चीज़ें यहाँ पर जो ऑफिस होते हैं, ठीक है, या फिर आप डीलर बोल सकते हो, वो सारी चीज़ अगर कंप्लीट करोगे तो इधर पर सब कुछ शो करेगा, और इधर पर अगर शो नहीं करेगा तो इधर पर आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा बार बार पॉपअप आ रहा है कि KYC सबमिट करने को बोल रहा है। अगर आपने सब कुछ डिटेल्स दे दिया फिर भी आपका सबमिट नहीं हो रहा है तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको जहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हैं उसी शॉप से आपका डीलर का नंबर ले लेना है, आपके मेरा KYC नहीं हो रहा है सबमिट करने को बोल रहा है। और एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आप दुकान पे नहीं जाना चाहते हो, अपना का नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया तो यहाँ पर कस्टमर केयर को कॉल करके बता रहा है कि मेरा KYC अप्रूव नहीं चल रहा है तो क्या करना पड़ेगा। वो लोग आपका जो भी प्रोफाइल जिसके पास जाएगा अप्रूव के पास, वो उसका नंबर आपको देंगे कस्टमर केयर से, उसको कॉल करके बताना कि मेरा KYC अटका हुआ है, मेरा KYC अप्रूव कीजिए। अगर वो लोग KYC अप्रूव कर देंगे तब जाके आप इसका बेनिफिट जो भी पॉइंट क्लेम होगा आप रिडीम कर पाओगे। अगर KYC अप्रूव नहीं करते तो इधर पर कुछ भी नहीं कर पाओगे प्रोफाइल के अंदर। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल सा मेथड है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन अलग से साइन अप नहीं मिलेगा। अगर आपका अकाउंट है तो इधर पर आपका अकाउंट नंबर देके गेट OTP देके कोड आएगा तो आपका प्रोफाइल सेक्शन खुल जाएगा। अगर आपका नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सिंपली नंबर देना, नंबर देने के बाद OTP आएगा आपके फ़ोन पे। OTP आने के बाद आपको तीन ऑप्शन आएगा आपके पास, एक आपका फर्स्ट नेम, दो आप इलेक्ट्रीशियन हो या डीलर हो, और आपका और क्या है? मतलब आप किस कंट्री से हो और आपका स्टेट क्या, ये तीन चीज़ें देखिए जैसे फिल करोगे आपका इंटरफेस इन तरह का आ जाएगा, मेरा जैसे आया था, ठीक है। तो इधर से आप अपना जो भी KYC है अलग से आप इसको फिल कर देना, जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड का डिटेल्स उधर पर फिल कर दोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपका नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया तो इधर पर आपका OTP आएगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो इधर पर आपको शो करेगा कि आपका नाम देना पड़ेगा, आपका स्टेट और आपका क्या हो, रिटेलर या डीलर हो, ये सारे चीज़ें आपको देना पड़ता है, ठीक है। जैसे दो कि आपका ऑलरेडी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं OTP फिल कर देता हूँ फटक से और आपको दिखाता हूँ इधर पर कैसे आपको सारे डिटेल्स कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर मैं OTP इसको दे देता हूँ, जस्ट ए फ्यू मिनट वेट, चलो हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैं OTP दूंगा आपका इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा, पॉपअप करके आपको फर्स्ट ये दिखाई देगा KYC करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर दीजिएगा, पैन कार्ड का नंबर देके सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको अप्रूव के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, एक डीलर को कॉल करना पड़ेगा या फिर आप जहाँ से प्रोडक्ट लेते हो उसी से अगर आपका नंबर मिल जाए तो उसको बोलना है कि अप्रूव कर देंगे। अगर डिफॉल्ट नंबर नहीं देते तो इनकार करते हैं, तो आप कस्टमर केयर से फ़ोन करके उसका नंबर लीजिएगा जिसके पास आपका ID गया है, वो सिर्फ अप्रूव करेंगे तो आपका सारे डिटेल्स कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इस तरह से आप टोकन का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपके पास RR केबल का टोकन है अगर रिडीम नहीं कर पा रहे तो मेरे को आप WhatsApp के थ्रू टोकन भेज सकते हो, टोकन का बेनिफिट जितना आएगा, वैल्यू जितना आएगा, मैं आपको इंस्टेंटली पेमेंट कर दूंगा। अगर आपके पास आपका ID नहीं है या फिर आप ID करने में दिक्कत प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो मेरे से आप रिडीम करवा सकते हो, आपको सिर्फ टोकन का पिक्चर भेजना है WhatsApp में और आपका पेमेंट नंबर भेजना, जितना भी आपका पॉइंट का वैल्यू आएगा मैं आपको इंस्टेंटली पेमेंट कर दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ जाना है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।